हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने घर से और कम बजट में स्टेशनरी का बिजनेस या शॉप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में, मैं आपको आज हर एक चीज़ बताऊंगा आपको और दिखाऊंगा कि आपको क्या क्या सामान स्टार्टिंग में रखना है। और आप स्टेशनरी के साथ में स्पोर्ट्स का काम करते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए और क्या क्या आइटम होते हैं जो एक स्टेशनरी शॉप पे ज़रूरी है, जो हर टाइम आपके पास होना चाहिए ताकि कोई कस्टमर आपके यहाँ से मतलब खाली हाथ ना जाए। आप आइटम रखेंगे तो कस्टमर के लिए उतनी ही आसानी होगी आपके यहाँ से सामान लेने में। यह है कि आपको समझिए कि कस्टमर उस एरिया का, जैसे आपकी शॉप अगर स्कूल के पास है या फिर कहीं कॉलोनी के बीच में है तो आपको उस एरिया की नीड समझनी होगी। उधर कैसे मतलब आपका एरिया कैसा है, अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो आपके हिसाब से वहाँ पे क्या होना चाहिए, स्पोर्ट्स में क्या होना चाहिए, स्टेशनरी में क्या क्या आइटम होने चाहिए। तो बेसिकली इसमें आपको सब की जानकारी रखनी पड़ेगी और अप टू डेट रहना पड़ेगा न्यू आइटम के साथ, न्यू पेन कलेक्शन के साथ, न्यू कॉपीज एंड रजिस्टर के लिए। शुरू करते हैं सबसे पहले रजिस्टर से। रजिस्टर जो सबसे ज़्यादा मेन होते हैं, जैसे कि ये क्लासमेट में, और क्लासमेट में असल में यह है कि इनके पेजेस अच्छे होते हैं और अलग अलग मोटाई में अवेलेबल होते हैं। जैसे अभी एक क्लासमेट का है, ये आपको इसमें 240 पेज का है और ये आपका 400 पेज का है। और साथ में एक ये रजिस्टर आता है क्लासमेट का, ये 172 पेजेस का आता है। तो डिफरेंट पेजेस मतलब कई पेज के हिसाब से आपके अलग अलग तरह के रजिस्टर्स आते हैं। और इसी के साथ आपको इसमें पूरा कलेक्शन रखना पड़ेगा हर एक तरह के, मतलब जैसे ये आपका इतने चौड़ाई का है और यह आपका A4 साइज़ में है रजिस्टर। और इसी में फिर आपका रजिस्टर आ जाते हैं क्लासमेट के ये वाले, ये पतले वाले। तो ये वाले जो रजिस्टर्स होते हैं ये आपके 120 पेजेस के होते हैं। और इस तरह के आपको तमाम मतलब आपको वैरायटी रखनी पड़ेगी। और कुछ रजिस्टर्स ये वाले होते हैं, ये सिंपल वाले होते हैं, ये लोकल ब्रांड में आपको मिल जाते हैं। इनके पेजेस क्लासमेट के कंपेरिजन में इतने अच्छे तो नहीं होते, पर इसको आपको रखना पड़ेगा। कुछ अच्छे पेजेस के रजिस्टर रखिए, कुछ रफ पेजेस के रखिए। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, ये भी क्लासमेट में, और ये वाला आपको इसकी साइज़ में मिलेगा, यानी इस रजिस्टर की साइज़ में है। ये आपका होएगा 400 पेजेस में। तो जैसा कि आपने देखा ये 400 पेजेस में ये शेप में है और ये आपका A4 साइज़ में है, ये भी आपका 400 में। तो आपको ये सब वैरायटी आपको रखनी पड़ेंगी। और फिर बात आती है कॉपीज़ की। कॉपीज़ में आपके पास ब्रांड आते हैं क्लासमेट के और साथ में डोम्स के आएंगे और एक फ्री माइंड का आएगा। जैसे ये फ्री माइंड का है, ये आपको मिलेगा। और डोम्स में आपके पास, मैं दिखाता हूँ, ये आपके डोम्स में कॉपीज़ आ जाती हैं और डोम्स में रजिस्टर्स भी आते हैं। तो ये आपके लगभग ये प्रिंटेड रहता है 45 रुपीज़ का, पर आपको ये जैसे आपके लोकल के मार्केट के हिसाब से आपको कितना वो लोग मार्जिन देते हैं वो डिपेंड करता है। वैसे तो इसमें 25 से लेकर 28% और मैक्सिमम 30% तक का मार्जिन कॉपीज़ पर मिलता है। और इसी तरह कुछ लोकल कॉपीज़ होंगी जो लोकल मार्केट से होंगे, जिनके पेज थोड़ा अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं होंगे, तो उनको भी रखा जा सकता है और रखना चाहिए। और साथ में आपके पास कुछ एक्स्ट्रा और थोड़ा सा लो, मतलब इसमें तीन क्वालिटी आती हैं, लो, मीडियम और हाई। ये कुछ लो क्वालिटी के पेजेस हैं, वन साइड प्लेन हो गया, वन साइड प्लेन इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स में अवेलेबल होता है। और इस तरह के रजिस्टर्स भी आपको रखने पड़ेंगे जो बोथ साइड प्लेन होते हैं, मस्ट है। और वन साइड प्लेन रजिस्टर में A4 साइज़ में और A3 साइज़ दोनों में रखने होंगे। और इसके साथ ही आपको रखने होंगे जैसे इनके लिए नेम स्लिप और कवर वगैरह। ये जैसे मोटा कवर आता है, ब्राउन कवर जिसमें प्लास्टिक कोटेड होती है, एक ही आता है 10 रुपये का, इतना बड़ा रोल। और इसी तरह से ये 20 रुपीज़ में ये वाला कुछ इस तरह का आता है, ये आपको रखने होंगे। और कुछ फैंसी प्लास्टिक में आते हैं जो कलरफुल होते हैं, ये वैसे तो मतलब इनकी सेल प्राइस 15 रुपये होती है, पर ये आपके मार्केट के हिसाब से कितना आपको मार्जिन दे रहा है उस पर डिपेंड करता है। साथ में एडहेसिव वगैरह में फेविक्विक वगैरह आपको रखना ही पड़ेगा। और
कुछ कॉपीज़, जैसे मैं आपको और दिखा देता हूँ, सिंपल सी वाला रजिस्टर दिखाता हूँ। जैसे ये वाले गत्ते वाले रजिस्टर्स आते हैं, जो ये पतले वाला रजिस्टर है, इसी तरह से ये मोटा वाला है, और अलग अलग शेप एंड साइज़ में पेज की क्वांटिटी के हिसाब से मिलेगा। और आपको एग्ज़ाम पैड रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बच्चों के चलते हैं तब ये बहुत सब बिकते हैं अच्छे से। और स्क्रैप बुक्स आपको रखनी पड़ेंगी, स्क्रैप बुक आप इसको बोलते हैं, दिखाता हूँ मैं, स्क्रैप बुक है इसमें। ये आपकी जैसे इसमें वन साइड लाइन वन साइड कलर्ड पेजेस हैं, इसी तरह एक में आती है जिसमें आपके दोनों साइड कलर्ड पेजेस होते हैं। और इसके साथ ही आप रख सकते हैं बॉक्स, जो कई तरह के फैंसी मार्केट में अवेलेबल हैं, टिफ़िन बॉक्स, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल आप मिल्टन में भी रख सकते हैं, लोकल मार्केट में भी रख सकते हैं, जो काफ़ी फैंसी फैंसी आइटम में आपको अवेलेबल रहती है। और साथ में आप सीज़र्स रख सकते हैं, म्यूनिक्स की बहुत अच्छी सीज़र्स आती हैं, और भी कई ब्रांड हैं मार्केट में, आप उसको भी रख सकते हैं। इसमें आपको तरह तरह के शेप एंड साइज़ की मिल जाएगी, अलग अलग मार्जिन के हिसाब से, मार्जिन वही रहेगा 25 से 28% का, अलग अलग मार्केट पर डिपेंड करता है। साथ में ये आपको तरह तरह के पेन मिल जाएंगे, जिसमें आपको कार्बनिक से लेकर मतलब हर एक कंपनी के पेन हैं, ये आपको लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल रहेंगे, और आपको इजीली कोई भी बता सकता है। जैसे आप लोकल मार्केट में जाएंगे और आप उनसे बात करेंगे कि भाई मैं स्टेशनरी का काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो वो आपको वहाँ का जितना भी आप वो मार्जिन दे सकता है वो आपको बताएगा, और साथ ही साथ में आपको जानकारी देगा नई नई चीज़ों की। अब जैसे कलर्स हैं, अब ये डॉम्स के वाटर कलर और डॉम्स के प्लास्टिक क्रेयॉन, कलर्स में भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आती है। प्लास्टिक क्रेयॉन होते हैं, वाटर कलर होते हैं, ट्यूब कलर होते हैं, और वाटर कलर पेंसिल्स होती हैं, पोस्टर कलर होते हैं, और ऑयल पेस्टल कलर होते हैं, जो ऑयल पेस्टल ही है, और साथ में आपकी ये क्या कहते हैं इसको, मेटालिक सिल्वर शेड तरह के, कई तरह के आते हैं जो इसको ब्रश पेन बोलते हैं, और साथ में पेंसिल कलर में बहुत वैरायटी है। स्केच पेन में बड़े छोटे, और डॉम्स में छोटा वाला भी आता है, और डॉम्स के आप काफ़ी स्टेशनरी में सामान रख सकते हैं, डॉम्स में बड़ा वाला भी आता है, ये आपको रखना मस्ट है। और साथ ही साथ इसके साथ आपको पेंसिल्स रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पेंसिल्स है 5H, 4H, 4B, 2H, 4H, 6H, ये सर ड्राइंग्स पेंसिल्स है, इनको आपको रखना मस्ट है। और तरह तरह के पेंसिल के ब्रांड हैं, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पॉज करके भी देख लीजिएगा, बाकी मैंने बहुत रखे हुए हैं, मेरे पास गोडाउन भी है, पर गोडाउन में टूर इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि वहाँ सब सामान पैक्ड रहता है, तो दिखाने में थोड़ी दिक्कत होगी। चलिए मैं आपको अब दिखाता हूँ मैकेनिकल पेंसिल्स में 0.5, 0.7, 0.9, 0.2, 0.6 तरह की अवेलेबल होती है, ये होती है मैकेनिकल पेंसिल्स। ये आपको यूनोमैक्स की, फ्लेयर की, बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, ये जैसे फ्लेयर की है 0.5 mm की, इनके साथ आपको इनकी लीड रखनी ज़रूरी है, ये लीड आती हैं साथ में 0.57 की है, ये 0.5 की है, ये 0.9 की है, थोड़ी धूल जम गई है। और कवर्स के साथ मैंने आपको बताया कि कवर, कुछ प्लास्टिक कवर्स भी आते हैं, जैसे ब्राउन कवर है, और ये आपका नॉर्मल रेगुलर ट्रांसपेरेंट कवर है, और ये सेलोफेन कवर है, ये सिंगल सिंगल बिकता है, रोल में भी अवेलेबल होता है। और पेंसिल्स तो आपको मैंने दिखा दी, फैंसी बॉल्स वगैरह स्पोर्ट्स में आप रख सकते हैं, जैसे मैंने फुटबॉल रखी हुई है, और कॉस्को की बॉल्स आती हैं, ये शटल कॉक्स वगैरह हैं, ये आपको स्पोर्ट्स के होलसेलर पर मिल जाएगा ईजिली। ये आपके मार्कर्स हैं, वाइट बोर्ड मार्कर, जो परमानेंट भी आता है, टेम्परेरी भी आता है, ये परमानेंट वाले हैं, ये टेम्परेरी वाले हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ ये टेप वगैरह, हाँ सेलो टेप वगैरह में आपके पास कई कलर के आते हैं, सिल्वर मेटैलिक भी आता है, ये आपका ग्लिटर चाइनीज टेप है, और ये आपके मोटे टेप आते हैं, और ये आपके डबल साइडेड टेप अवेलेबल हैं, हर साइज़ और शेप में मिलेगा आपको। ये पतले वाले आते हैं, छोटे आते हैं, 10-10 रुपये सेल वाले आते हैं। और इसी के साथ आपको कुछ इस तरह के, आपको ये वाला भी टेप रखना पड़ेगा, मास्किंग टेप बेसिकली ड्राइंग वगैरह में, पेंटिंग में काम आता है। और खड़ा हो जा भाई, नहीं खड़ा होने का मैंने, ये कुछ कलर टेप आते हैं, ये डिफरेंट कलर में आपको अवेलेबल होते हैं, और ये भी रखना वैसे ज़रूरी है क्योंकि बच्चों के काम बहुत आता है।
लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये ग्लिटर शीट्स आती है और ये बैग है जिसमें आप डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट फाइल वगैरह हम रखते हैं। और जैसे कि ग्लिटर शीट मैं आपको दिखा रहा था, ये ग्लिटर शीट है, ये बहुत सारे कलर में अवेलेबल है, ये आपके कई तरह कलर में अवेलेबल है, ये आपको रखना मस्ट है। ये क्राफ्ट में आर्ट में बहुत यूज़ होता है। और साथ में A4 साइज़ में ये पेजेस आते हैं, जैसे वाइट है, इसके नीचे ये रेड है, और इसी तरह हर कलर में आपको अवेलेबल होगा, ये भी आपको रखना बहुत मस्ट है। तो टेप के बाद आते हैं एडिसिव। एडिसिव में आपके पास फेविस्टिक, फेविकॉल, ये आपका क्या बोलते हैं इसको, मैं दिखा दूँ नाम करके भी स्लिप हो जाता है, फैब्रिक ग्लू। अब फेविगम में, अब जैसे ये है बड़ा वाला है और एक इसमें छोटा वाला आता है, ये 10 रुपीज़ का आता है, एक इससे भी छोटा आता है, वो भी चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो ये है छोटा वाला, तो ये 5 का है, ये 10 का है, ये 40 का है। तो ये है इस तरह के कुछ अलग अलग ग्राम्स में आपके एडिसिव अवेलेबल है मार्केट में। और दूसरा, आपको सबकी क्वांटिटी के बारे में मैं लास्ट में बताता हूँ, पहले मैं आपको सारे आइटम दिखाता हूँ। तो आपको फेविकॉल ये 5 वाला भी रखना पड़ेगा, इस टाइप में भी आता है और इस टाइप के 10 रुपये की बॉटल्स में भी आता है। और कुछ ग्लू इस तरह के नॉर्मल ग्लू आते हैं 5-5 रुपए के। और चलिए अब आपको दिखाता हूँ ये स्टेपलर पिन वगैरह, ये स्टेपलर पिन्स वगैरह आती हैं, ये नंबर पे होती है, जैसे ये 10 10 1 M की है, और ये लगती हैं बेसिकली आपके ये वाले नंबर 10 वाले स्टेपलर में। इसी तरह से आपका ये जो चौड़ा वाले आते हैं स्टेपलर, एक मिनट रुकिए मैं दिखाता हूँ, जैसे ये आपके आते हैं ये 45 नंबर वाला, तो यही इसमें आपके बड़े वाले स्टेपल्स लगते हैं। तो स्टेपलर के अकॉर्डिंग उसकी पिन मिलेगी, और पिन कुछ इस तरह से आती है डिब्बी में, तो इस तरह के पैक आएंगे होलसेल में। और साथ ही साथ में आपको स्केल रखना पड़ेगा, ये जो छोटा आता है 30 सेंटीमीटर में, 60 सेंटीमीटर में, डॉम्स नटास दोनों में अवेलेबल है। साथ में ये लकड़ी वाला है, ये तो सभी को याद होगा, बचपन में स्कूल में पक्का हाथ में खाया होगा टीचर से। और स्टैम्प पैड हो गया, जैसे ये है, रखना ज़रूरी है। और क्राफ्ट में आते हैं, तो क्राफ्ट में आपको रंग बिरंगे स्टिक्स रखने पड़ेंगे, कुछ प्लेन स्टिक्स रखनी पड़ेंगी जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं, रिबन्स होते हैं, बहुत तरह के रिबन्स आते हैं अलग साइज़ में, 1 इंच में, 1/2 इंच में, 2 इंच में। और रंग बिरंगे ये स्ट्रिंग्स हैं, कुछ स्ट्रॉज हैं, और ये बीड्स आती हैं, बीड्स रखिएगा ज़रूर, ये बहुत अच्छा मतलब क्राफ्ट में बिकता है। ये इस तरह का आएगा, तरह तरह के डिज़ाइन में, तरह तरह कलर में, ये सब रखने, स्टोन्स होते हैं इनको रखना ज़रूरी होता है। ये खैर नीचे पेन रखे हुए हैं, और साथ में कंपास, प्रोटेक्टर और ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह, जैसे आपके क्लासमेट में, डॉम्स में बहुत तरह के ज्योमेट्री बॉक्स आते हैं, हर किसी की वैरायटी आपको थोड़ी थोड़ी रखनी पड़ेगी, मैं क्वांटिटी लास्ट में बताऊंगा। अब आते हैं इरेजर्स पे, ये इरेजर्स हैं, ये डॉम्स की इरेजर्स हैं, ये डॉम्स की इरेजर्स हैं, और अप्सरा की डस्ट फ्री इरेजर जो एक बची है फ़िलहाल, और नटराज के शार्पनर्स हैं, और ये कुछ अप्सरा की नई तरह की इरेजर्स आ गई हैं रंग बिरंगी, इसी तरह से डॉम्स के शार्पनर्स हैं और कुछ रंग बिरंगे इरेजर्स और भी हैं। साथ में अब आपको दिखाता हूँ मैं, इसको कहते हैं एयर ड्राई क्ले, ये सब आर्ट्स वगैरह में आता है, ये आपका अबरी हो गई जो कई कलर में अवेलेबल होती है, ये पेंस वगैरह हो गए हैं जो जेल पेन रखे हैं, अब तो खैर जेल पेन 5 रुपये वाला पहले आता था, अब 7 रुपये से स्टार्टिंग हो गई है, इसमें भी आपको 25% का मार्जिन मिलता है। और कुछ फैंसी पेंस आते हैं इस तरह के, और कुछ सजावटी सामान हैं, ग्लिटर पेन हैं, मैग्नेट्स हैं, ग्लू गन हैं, और रंग बिरंगे पेन आते हैं स्टिक वाले, और इतने टाइप के पेन आपको मिलेंगे मार्केट में, जिसमें ये ऑक्टेन मेन ब्रांड हो जाता है, ऑप्टिक स्क्वायर हो गया, और ये तमाम तरह के पेन आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे। तो जिस भी आप डीलर के पास जाएंगे वो आपको पूरे इस सामान के बारे में एक एक जानकारी दे देगा। तो आप देखिए, जैसे कि ये आपको पाउचेस हैं, ये पाउच दिखाता हूँ, ये पाउच इस तरह के काफ़ी फैंसी पाउचेस मिलते हैं, ये रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कई लोग को बॉक्स पसंद आते हैं, कई लोग को पाउच पसंद आते हैं, और कुछ पाउच आते हैं ये वाले,
ये प्लास्टिक वाले आते हैं, इसमें भी 3-4 तरह की क्वालिटी अवेलेबल है मार्केट में, वो रखना ज़रूरी है। साथ में ये जो कॉइन्स वाले लिफाफे होते हैं, जैसे ये लिफाफा हो गया कॉइन वाला, ये आपके नोट वाला हो गया, इस तरह की, जैसे जो शादी वगैरह में बर्थडे में लोग प्रेजेंट करते हैं, मतलब पैसे वगैरह देते हैं, शगुन वगैरह देते हैं, तो उसमें काम आता है। और रही बात फिर ये छोटी डायरियाँ आती हैं, इस तरह की डायरियों का रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें छोटी डायरी कुछ इस साइज़ की होंगी, कुछ इस साइज़ की होंगी, कुछ और बड़ी साइज़ की होंगी, और कुछ आपको बिल बुक्स वगैरह रखनी पड़ेंगी अलग अलग साइज़ में और मोटाई पतलाई में, ठीक है। तो इसके बाद आपको ब्रशेस, क्राफ्ट का सामान क्वांटिटी बहुत सारी अवेलेबल है, क्वालिटी बहुत सारी अवेलेबल है। और साथ में ये तबरी आपको दिखाई दी थी, ये एयर ड्राई के लिए है। तो और मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ रह गया होगा तो, हाँ, पंच पेपर वगैरह, ये वन साइड प्लेन, ये जैसे बो साइड प्लेन है, ये बो साइड लाइनिंग है, और ये वाले डिज़ाइनिंग वाले आते हैं, और ये वन साइड प्लेन आती है, साइड प्लेन है, ये साइड लाइनिंग है, ठीक है। तो ये सब आपको रखना बहुत ज़रूरी है। साथ में आप कुछ गेम्स वगैरह रख सकते हैं, जैसे कि ये पज़ल वगैरह रखे हुए हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आपका एरिया कैसा है। अगर आप स्कूल के पास अपनी शॉप खोलते हैं तो आपको ये सब रखना ज़रूरी है। दूसरा, चलिए मैं इसकी, और हाँ एक चीज़ और, ये A4 साइज़ में ये जो फ़ोटो कॉपी की पेजेस आते हैं ना, A4 75 GSM वाले, वो 2-4 क्वालिटी या उस तरह की, मतलब अलग अलग क्वालिटी की मंगवा के रखिए, फ़ोटो कॉपी वाले बहुत लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि कितना, हाँ स्कूल बैग भी रख सकते हैं, स्कूल बैग भी मैंने रखे हुए हैं, कुछ रखें ज़्यादा नहीं रखें। और ये कुछ बच्चों के गेम्स वगैरह हैं, और भी हैं, अभी आने वाले हैं, कल सैटरडे है, कल आएगा। और ये आपके, हाँ यहाँ मैं दिखाता हूँ पीछे, यहाँ पे इस तरह के पैक आते हैं 100-200 पेंस के एक साथ, तो यहाँ पे जैसे ये लगे हुए हैं अलग अलग कंपनियों के पेन वगैरह, नए पैकेट रखे हैं अभी, मतलब ओपन नहीं हुए। ये आपके ढेर सारे कलर रखे हुए हैं, और भी यहाँ पे आइटम रखा हुआ है। और दूसरा, यहाँ पे सिर्फ टेप वगैरह रखा है इस डब्बे में, इसमें कलर से एडहेसिव रखे हैं, सॉरी। थर्माकोल बहुत ज़रूरी है, क्राफ्ट में बच्चे बहुत यूज़ करते हैं, इसमें 1/2 इंची, 1 इंची, 1.5 इंची का आता है। साथ में ये आपकी थर्माकोल बॉल्स आती हैं, ये कलर्ड में आती हैं, और कुछ इस तरह का पैक रहता है जिसमें 5-6 कलर का पैकेट मिलता है। साथ में कैरम बोर्ड है, बड़ा वाला, छोटा वाला। चलिए अब बात करते हैं क्वांटिटी कितनी मंगानी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पेंसिल से। पेंसिल के कई सारे ब्रांड आते हैं, जैसे डॉम्स में है, अप्सरा में भी 2-3 तरह के आते हैं, अप्सरा गोल्ड आती है, अप्सरा प्लेटिनम आती है, अप्सरा ब्लैक ब्यूटी आती है, इसी तरह डॉम्स में X1 आती है, और Y1 आती है, नटराज में पिक्चर्स आती है, नटराज के नॉर्मल पेंसिल, ब्लू पेंसिल ज़रूर रखिएगा, ब्लू और रेड पेंसिल बहुत काम आती है, बहुत बच्चे लेते हैं। Y1 आ गई आपकी, नटराज आ गई, इसी तरह से आपके डॉम्स की फ्यूज़न आती है। और इन सब के आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, तो मुझे लगता है कि आपको सिर्फ एक एक पैकेट रख लीजिए, और जैसे सेल बढ़ेगी उस अकॉर्डिंग आप उसको बढ़ाते जाइए। एक पैकेट बोले तो ये पूरा पैक आता है 10 डब्बे का, और एक डब्बे में 10 पेंसिल्स होती हैं, और एक पैकेट आप हर उसका ब्रांड का रख लीजिए, ताकि आपके पास वैरायटी रहे। सेम ये चीज़ आप पेन के साथ करिए। पेन के साथ आप, जैसे ये है हाउज़र का, मेरे पास बहुत सारे हैं, जैसे आपने हाउज़र का ब्लू ब्लैक मंगा लिया, 2 ब्लू मंगा लिए, 2 ब्लैक मंगा लिए, इस तरह से 5-6 ब्रांड के आप अच्छे अच्छे पेन 5 रुपये से लेके 10, 20, 30 जितने के भी मिलते हैं, सबके 2-2 डब्बे मंगवा लीजिए, ठीक है। और ये तो मैंने होलसेल में मंगवा रखा है, जैसे आपका काम बढ़ेगा तो आप पूरा डब्बे मंगवा सकते हैं एक साथ। जैसे इसमें 300 पेन का डिब्बा आता है, लिंक स्टार लाइन का बॉल पेन है, 5 का बिकता है, तो बाद में आप ऐसे डब्बे मंगवा सकते हैं। शुरुआत करने के लिए आप नॉर्मल इस तरह के, जिसमें 20-20 और 10 यूनिट के जो पेन आते हैं, वो आप मंगवा लीजिए, हर कंपनी का अलग अलग, ठीक है। चलिए और बात करता हूँ कलर्स के बारे में। तो कलर्स का जो क्वांटिटी है, आप
जैसे आपके ड्राम्स एक्वा है, सबके 5 5 5 5 स्टार्टिंग के लिए बता रहा हूँ। जैसे वाटर कलर हो गए डॉम्स के, 5 पैकेट मंगा लिए, 5 पीस यानी इसका डिब्बा आता है पूरा, तो वो एक डिब्बा ले लिया, एक डिब्बा इसका आता डिब्बा ले लिया, और सेम ये आते हैं 10 10 के पैक में आते हैं, तो ये ले लिया। जिसका पैक दिखाता हूँ, शायद पैक एक पैक पूरा रखा होगा, तो ये है, ये पेंसिल कलर का पैक आता है 10 डिब्बे का, तो इसको आप ले सकते हो। अलग अलग ब्रांड में अलग अलग शेप का जो आता है वो ले सकते हो, ठीक है। और ये कॉपीज इस तरह की आती हैं, इस तरह के पैक में आती हैं, ये इस तरह के पैक में आती हैं कॉपीज। तो ये आप कॉपीज के बारे में तो आपको मैं बता दूं, हिंदी इंग्लिश मैथ सबकी 50 50 कॉपियां तो रख ही लीजिए, साथ में वन साइड प्लेन, जैसे वन साइड प्लेन ही होती है, एक साइड प्लेन एक साइड लाइनिंग, ठीक है। सेम ये इंग्लिश में है, इस तरह की कॉपियां 50 50 मंगवा लीजिए, 50 कॉपियाँ ये वाली मंगवा लीजिए, स्कूल में बहुत चलती हैं, और 50 पीस ही इस कॉपी के भी मंगवा लीजिएगा। और रजिस्टर वगैरह जितने भी आप मंगवा रहे हो, हर पेजेस क्वांटिटी के हिसाब से सबको लगभग 50 50 मंगवा लीजिए, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग जैसे आपने रोल कवर वगैरह मंगवाना है, तो रोल कवर भी आप 50 50 50 हर तरह के, जैसे 10 वाला 20 वाला 30 40 वाला, और साथ में आपको सेलोफिन के रोल एक ही मंगवा लीजिए, और ये प्लास्टिक वाले ये भी 50 50 कर लीजिए। और पेन का तो मैंने आपको बता दिया, पेंसिल का बता दिया, और मार्कर वगैरह ये इस तरह के आते हैं डब्बे डब्बे, तो आप वो एक एक डब्बे स्टार्ट करने के लिए रख सकते हैं। और शटल कॉक वगैरह ये 5 5 एक साथ लेकर रख लीजिए, ठीक रहता है, बाद में रेट ही बढ़ता है उसका, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको ये गत्ते वाली फाइल रखनी पड़ेगी, इसमें भी 3 4 क्वालिटी आती हैं, एक ये अच्छी क्वालिटी है, ये ठीक ठाक क्वालिटी की आती है, इसमें 3 4 क्वालिटी आती है, 10 की 20 की 30 की, जैसा आपको सिटी में मिले। बर्थडे का सामान रख सकते हैं, जैसे कैप हो गई, कैंडल्स हो गई, और बलून्स हो गए, सजाने का सामान हो गया, जैसे ये कैप है ऊपर ये रखी है, और क्ले वगैरह, बॉल्स, फुटबॉल, और ये इंक पेन। चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, चार्ट आपके आते हैं सिंपल वाले में, मतलब सिंपल बोले तो जो 5 6 रुपए के बिकते हैं, उसमें आपको कलर मिलता है लाइट ब्लू, येलो, लाइट पिंक, लाइट ग्रीन और ब्लैक, और वाइट मिलता है, ठीक है। तो इसको कम से कम आप नहीं तो स्टार्टिंग के लिए 20 20 मंगा के रखिए, मतलब 20 पीस इसके, 20 इसके 20 इसके, इस तरह से, ठीक है। और एक ये पेस्टल आता है, ये पेस्टल चार्ट होता है, पेस्टल चार्ट बिकता तो खैर वैसे अलग अलग सिटी में अलग अलग रेट में, पर ये महंगा आता है, मतलब ये आपको 7 या 8 रुपये पर पीस होल सेल में मिलेगा। तो ये आता है आपका रेड कलर में, ग्रीन में, ऑरेंज में, जितने भी ब्राइट कलर होंगे ना, तो उसमें आपको ये पेस्टल कलर, पेस्टल शीट सॉरी, उसी में मिलेगी, देखिए ये है, तो ये मंगा सकते हैं। गिफ्ट रैपिंग वाले रैप हैं, ये रखिए, क्योंकि जो मान लीजिए गिफ्ट लेता है तो आपको उसको पैक करने का होगा, पैक करने के साथ ही आपको इसके साथ काफ़ी ये वाली चीज़ें भी रख सकते हैं, ये मंदिर वगैरह में लगती है, नेम स्लिप हो गई, और गिफ्ट पैक के ऊपर लगने वाली स्लिप हो गई, वो रखिए। कुछ बैडमिंटन रख लीजिए, फेविक्विक ये तो बता ही चुका हूँ, और जैसे कोई आइटम कुछ रह गया होगा तो मैं आपको बताता चलूँगा, आप अपना कमेंट में करिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा कि और क्या चाहिए होता है, और मैं आपको बताऊँगा। जैसे ये सब चीज़ें हैं, या आर्ट्स का सामान, ये सब आपको आर्ट की होलसेलर वाली शॉप पे मिल जाएगा, जहाँ से आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। तो आप ऐसे छोटे छोटे पैकेट बना सकते हैं, और ये है जैसे मिरर है, ये इन सब के पैकेट आते हैं आधा आधा किलो, 1 किलो के, इनको आप बाद में अपने जैसे इस तरह रख लिया या पैकेट बना लिया, उस तरह से आप इसको सेल कर सकते हैं। और रही बात, जैसे आपने मान लिया आपकी मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट होगी 10 बाई 20 की, मतलब 10 बाई 20 तो इतना आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप रजिस्टर वगैरह भरेंगे तो एक साइड रजिस्टर ही हो जाएगा, एक साइड आपके पेन वगैरह और भी सारा सामान होगा, तो आपको 10 बाई 20 साइज़ तो शॉप का चाहिए ही होगा। बाकी फर्नीचर में आपको बस ये अलमारी वगैरह बनवानी होगी, और एक काउंटर चाहिए होगा,
और बाकी सामान वामान लटकाने के लिए आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने तो ऐसी दीवार पे कील लगा रखी है, ठीक है। और बजट यह है कि अब कॉपीज़ ही लेने में आपका लगभग, ये मिनिमम लोग जो झूठ बोलते हैं कि 10,000 से स्टार्ट करिए बिजनेस, 20,000 या 50,000 से, ये मिनिमम स्टार्ट होगा 1 से 1.5 लाख का। 1 से 1.5 लाख का सामान जब आप लाओगे तो क्वांटिटी आपकी कम रहेगी, पर क्वालिटी जैसे आप बढ़ा सकते हो कई चीज़ों की, जैसे अच्छे अच्छे चीज़ों की रख लीजिए, पेन अच्छे रख लीजिए, कुछ कॉपीज़ अच्छी रख लीजिए, कुछ सादा, वो धीरे धीरे आपको काम के साथ अनुभव होता जाएगा। पर आपको मिनिमम इस पर 1 से 1.5 लाख रुपये लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक आइटम लेने में और उसके 10-10 पीस लेने में अच्छा खासा खर्चा होता है। वो लोग YouTube पे बहुत ख़राब वीडियो बनाते हैं जो मिस गाइड करते हैं कि 50,000 में 10,000 में स्टार्ट करिए, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब आप 50 पीस कॉपी ही लेंगे, ये वाली 10 रुपये वाली, यही आपके अकेले पड़ जाएगी अच्छी खासी रेट पे। तो आप खुद ही सोच लीजिए किसे, और कॉपी A4 साइज़ के जो ये रोल्स आते हैं, पूरे रोल रिम आती है, ये खुद अपने आप में 320-330 रुपये पर पीस की मिलती है। अलग अलग सिटी के हिसाब से अलग अलग रेट होते हैं सबके, तो हम इसको 1 से 1.5 लाख का वो मानिए। हाँ, एक चीज़ और दिखा दूँ, कुछ अच्छे पेंस भी रख सकते हैं, जैसे कुछ VIP पेन होते हैं, मतलब कुछ लोग शौकीन होते हैं पेंस के, तो इस तरह के कुछ पेन आप रख सकते हो। बाकी तो फिर अब आप जैसे होलसेल मार्केट में आप एंट्री करोगे तो आपको कई चीज़ें दिखेंगी, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगा अपने एरिया के हिसाब से कि आपको क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। स्कूल के पास है तो स्कूल के पास, स्कूल में कौन से कॉपीज़ चलती हैं, कौन से किताबें चलती हैं, किस तरह के कवर यूज़ होते हैं, वो आप उसमें वहीं से आप पता कर सकते हैं। कॉलोनी के बीच में खोलते हैं तो मल्टीपर्पज़ रखना पड़ेगा। स्टेशनरी के साथ आर्ट्स का सामान भी, आर्ट्स बोले तो ये सब आर्ट्स का सामान होता है, ये सब स्टिक्स हो गई, ये हो गई, और दिखाता हूँ ये सब आर्ट्स का सामान होता है, ये पैकेट सब बने बनाए मिलते हैं, ये सब आर्ट्स के शॉप पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको ले लीजिए ज़रूर, क्योंकि स्टेशनरी के साथ बच्चों के प्रोजेक्ट्स होते हैं स्कूल में, तो आर्ट्स का सामान वो लोग बहुत लेते हैं। और सीजनल भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे दिवाली आ गई तो दिवाली पर लोग कैंडल वगैरह बनाते हैं, दिए बनाते हैं, तो उसके लिए आपको काफ़ी चीज़ें रखनी पड़ेंगी। तो मैंने आपको स्पेस रिक्वायरमेंट बता दी, कम से कम 10x20 की शॉप चाहिए, और बजट बता दिया 1 से 1.5 लाख का बजट चाहिए, और क्वांटिटी आपको बता दिया कि हर एक चीज़ कॉपियों की 20-20 कर लीजिएगा, बाकी भली सामान की आप 10-20 कर सकते हैं, पर मिनिमम क्वांटिटी कॉपीज़ की इसलिए मैं 50 कह रहा हूँ क्योंकि एक क्लास का एक बच्चा मिनिमम कॉपी लेता है 15 से 20, तो उस हिसाब से आप स्टार्टिंग के लिए 50-50 कॉपियाँ रख लीजिए, नहीं तो अचानक से एक ही दिन में कोई 2-4 ले गए बच्चे तो फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर आप दौड़ेंगे, तो उसके लिए आप इस तरह से रख सकते हैं। बाकी इसमें तो सब कलर में एक एक पैकेट ही ले आइए, और बाकी जो सामान है जैसे ये है, इनका पैक आता है, एक एक पैक रख लीजिए बस। जो गम्स हैं, एडहेसिव है, पेन है, इनका एक एक पैकेट ही रख लीजिए बस। कॉपीज़ में थोड़ा सब बढ़ाए रखिएगा, कवर हो गया, जैसे फाइल हो गई, स्टिक फाइल, इनके पैकेट आते हैं, 2-2, 3-3 पैकेट रख लीजिए। नेम स्लिप्स हो गई, नेम स्लिप कई डिफरेंट डिज़ाइन में, काफ़ी अलग शेप में आती हैं, वो रख लीजिए। हाँ, उसके साथ वो एक और चीज़ रखना मत भूलिएगा, ये इस तरह के चार्ट्स वगैरह आते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, स्क्राफ्ट वगैरह में यूज़ होता है। तो अब मुझे लग रहा है, आई होप कि मैंने सब कुछ लगभग बता दिया है, अगर कुछ रह गया हो जो आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए, बताइए, पूछिए मुझसे, मैं सब चीज़ का आपको बताऊँगा, बाकी जो कुछ रह गया होगा। और हाँ, साथ में आप जैसे ये नेल कटर वगैरह भी रख सकते हैं, कुछ घर की चीज़ें, नेल कटर है, सेल है, बैटरीज़ हैं, ये सब भी, ठीक है। बाकी मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आपको कोई डाउट रह गया तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।